इंदौर लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद महापौर पुष्यमिथ भार्गव ने मीडिया से चर्चा की, जहां शांतिपूर्ण मतदान के लिए मीडिया सहित पुलिस प्रशासन का आभार जताया। वहीं नगर निगम में हुए करोड़ों के ड्रेनेज घोटाले को लेकर महापौर ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और घोटाले के किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। पूरे मीडिया जगत को, मीडिया के एक एक साथी को, संस्थानों को, संपादकों को भी मेरी ओर से बहुत सारा धन्यवाद कि इंदौर में लोकतंत्र का उत्सव, जो कहीं थोड़ा शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि किसी कारण से नीरस हो रहा है, लेकिन सब लोगों ने लोकतंत्र के इस पर्व को, मतदान के इस उत्सव को इंदौर में फिर से ऐतिहासिक बनाने का काम किया, उसके लिए पूरे इंदौर की तरफ से आप सबका धन्यवाद। पूरी इंदौर की जो जिला प्रशासन की टीम है, अध्यक्ष आशीष सिंह जी जो अपने कलेक्टर हैं उनके नेतृत्व में, चुनाव आयोग को, केंद्रीय चुनाव आयोग को, इसने निर्विरोध और निर्विघ्न निष्पक्ष भाव से इंदौर में, जैसा हर बार होता है, इतने बड़े मतदान दल को भेजा, बिना किसी घटना दुर्घटना के इसको संपन्न कराया। उसमें पुलिस प्रशासन, नगर निगम ने भी अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका सभी संसाधनों और व्यवस्थाओं को जुटाने में की थी, स्वच्छता के साथ साथ बाकी अन्य चीज़ों में भी, चाहे शौचालय उपलब्ध कराना हो, टॉयलेट्स बनाना हो, साफ़ सफाई करनी हो, तो ये पूरा जो इंदौर का मिला जुला प्रयास था, उसके लिए एक तो सबको बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। दूसरा, चुनाव हो गया है तो जो बाकी हमारे इंदौर के सब काम हैं वो आज से हम शुरू कर रहे हैं, और उसकी शुरुआत आप सब से चर्चा करके ही कर रहे हैं कि वापस इंदौर के जो भी आवश्यक काम हैं उनको हम अब शुरू करेंगे, जिसकी शुरुआत मैं आज आईटी सेल डिपार्टमेंट जो है नगर निगम का, उसका दौरा भी करूँगा, क्योंकि लगातार हमारी ये इच्छा ही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटलाइजेशन होगा उतनी ट्रांसपेरेंसी आएगी काम में, तो मैं अभी शुरुआत भी आईटी विभाग के दौरे से ही कर रहा हूँ। दूसरा, आप लोगों के ध्यान में आया कि नहीं आया, पर अभी एक टेंडर ऑनलाइन है जिसमें हम नगर निगम के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डिजिटलाइज कर रहे हैं, तो ये काम भी बहुत जल्दी होने वाला है। तीसरा, आप पूछोगे इसलिए मैं खुद ही बोल देता हूँ, घोटाले में लगातार लोग पकड़े जा रहे हैं, जो लोग पकड़ाए हैं वो भी आगे की कोई ना कोई बात बताएंगे, उस आधार पे पुलिस अपनी जांच कर ही रही है। लेकिन पहले दिन जब अखबार में ये खबर छपी थी, उसी दिन मैंने मध्य प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिख के कहा था कि उच्च स्तरीय कमेटी बन के इसकी जाँच हो, क्योंकि ये अपने तरह का, ये अलग प्रकार का पुराने समय का घोटाला है जिसको एक बार में पूरा साफ करने की ज़रूरत है कि भविष्य में फिर इसकी पुनरावृत्ति ना हो जाए, क्योंकि जो फाइलें बनी हैं वो तो चलती रहेंगी, तो एक बार इसकी जांच हो जाए, जो लोग भी दोषी हैं उन सब के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। दूसरा, उन सब लोगों की इसमें बहुत विशेष रूप से जांच हो, ये मैंने पहले भी लिखा है, अभी भी कहा है, या जब जांच दल आएगा और उनसे मैं मिलूंगा तो उनको भी कहूंगा कि फर्जी फाइल बनी, ऑडिट में गई, ऑडिट से अकाउंट में चली गई, पेमेंट भी हो गया कुछ फाइलों का, कुछ फाइलें पकड़ में आ गई, जांच हो गई, लेकिन पुराने समय के काम का पेमेंट जब बाद में हुआ तो ये उन सब अधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि उसको उस समय वो एक बार ज़रूर फिजिकली वेरीफाई करवाते, फाइल फर्जी थी पर अगर हम डिले पेमेंट कर रहे हैं तो उसका एक बार वेरिफिकेशन ज़रूर कराना था, तो इस एंगल से ज़रूर जांच होनी चाहिए। मैंने कहा भी है, अधिकारियों को भी कहा है, जो कमेटी आएगी उसको भी मैं कहूँगा, ताकि इसके सभी दोषी इसमें पकड़ में आए। दूसरा, घोटाले और भी राज्यों में हुए हैं, और भी संस्थाओं में हुए हैं, मैं एक बार लगातार लोगों को कह रहा हूँ कि हम प्रयास करें अलग अलग तरीक़ों से, मध्य प्रदेश में उसके लिए कानून भी है कि ये घोटालेबाज लोगों से पैसा रिकवर हो, जनता की गाड़ी कमाई का जो पैसा है, मेहनत से भरे हुए टैक्स का जो पैसा है जिसका दुरुपयोग हुआ है, वो वापस कैसे आए, उसके एक रास्ता तो मध्य प्रदेश में कानून है कि वो दोषी पाए जाते हैं तो उनकी संपत्ति बेचकर, उसको कुर्क करके और बाकी कई तरीकों से वो होता है, लेकिन मुझे लगता है ये लंबी प्रक्रिया है,
केस फाइल होगा, ट्रायल चलेगी, फिर सजा होगी और फिर वो सब कार्रवाई होगी करप्शन एक्ट के तहत। लेकिन उसके पहले भी यदि ये सब चीज़ें प्रथम दृष्टि आती हैं कि ये गलत तरीके से इनके खाते में ये पैसा गया है, तो उसको रिकवर करने के और क्या माध्यम हो सकते हैं, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। क्योंकि पैसा अगर रिकवर कर पाए जनता का तो असली काम होगा, और भविष्य में इन सब चीज़ों की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए हमने पहले भी प्रयास किए ही हैं कि ये ड्रेनेज की फाइल, पानी की फाइल का GIS मैपिंग शुरू किया था और डिजिटलाइजेशन ही इसका रास्ता है। सर, एक डिजिटलाइजेशन अपनी जगह है, अभी कुछ दिन पहले ही लोक अदालत का घोटाला हुआ। लोक अदालत में फर्जी रसीदें काटने और अकाउंट से लिंक पर टिकर वाला, संपत्ति कर वाला, जिसमें पहले हुआ था 16 लोगों के FIR 2023 में। उस मामले में जितने लोगों को निलंबित किया था, जितने लोगों की सेवा समाप्त की थी, अपन सबको पिछले 8 महीने के दौरान बहाल करके महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ सौंप दी। जब एक बार घोटाले में लिप्त तो व्यक्तियों को अपन वापस रीइंस्टॉल करेंगे, वापस जिम्मेदारियां देंगे तो क्या होगा? नहीं, उसने ऐसा है, निलंबन किया था तो उसकी जांच अभी चल रही है, उसकी जो विभागीय जांच है वो अपनी जगह अलग चल रही है, उसकी FIR की जांच अलग चल रही है। अब जांच होने के बाद अगर उसमें जो भी उनके खिलाफ आरोप तय होंगे और उसकी वो सज़ा अलग से मिलेगी, लेकिन तब तक उनमें से जो लोगों को सस्पेंड किया था तो उनको प्रथम दृष्टया घर बैठे फीस देने से अच्छा है उनसे काम कराया जाए। मतलब सस्पेंशन के विषय को लेके मेरा ये अपना मत है कि एक तो उन्होंने अपराध भी कर दिया और फ्री में घर बैठ के तनख्वाह भी लें। तो जब FIR में 18 इंजीनियरों के खिलाफ पिछले 3 साल से 80 करोड़ के घोटाले की डी चल रही है, 3 साल हो गए, डी में अभी तक आरोप पत्र भी जारी नहीं हुए। इसीलिए इस बार जो हमने किया है ये विभागीय जाँच नहीं, ये अलग से कमेटी बनाई है मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके, और ये कमेटी जो अपनी रिपोर्ट देगी उस बेसिस पे बाकी जो कार्रवाइयाँ होनी है वो सब भी होगी। कमेटी कब काम कब से शुरू करेगी? मुझे लगता है अब आ जाएगी 1-2 दिन में। बहुत सारी चीज़ें सुधर रही हैं, सुधारने का जो तरीका है उसमें टाइम लगता है। एक दिन में सारी चीज़ें बदल जाएंगी, एक साल में इतना बड़ा सिस्टम ठीक हो जाएगा ये आसान नहीं है, लेकिन जो टारगेट हमने लिए हैं उतने पूरे हम अचीव करके जाएंगे, और उसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन डिजिटलाइजेशन ही है। वो तो उस जांच में उच्च स्तरीय कमेटी में सब जांच में चीज़ें सामने आएंगी, किस किस का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि क्या है किसी पे आरोप लगाना आसान है, उसको सिद्ध करना कठिन। 1500 करोड़ के घोटाले थे, लोग तो उनको भी सिद्ध करने मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ही कहना चाहते हैं कि ऐसी आप पूरे सिस्टम पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते ना, हम में से ही अच्छे लोग भी हैं, आपके बीच में हमारे बीच में अच्छे लोग भी हैं, वो कोई तो अच्छा काम करेगा। 95 से कौन सी जो बात आप कर रहे हो अगर वो मान ली जाए तो फिर बाकी सब बात करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो चलने दो जो चल रहा है। जी ने कोई शिकायत की थी उसके बारे में अखबार में ज़रूर पढ़ा था, लेकिन जो नाला टेपिंग वाला विषय है कुल मिला के, उसके बारे में मैं मेयर बनने के पहले, मेयर बनने के समय आप लोगों से और उसके बाद भी इसके बारे में सुनते रहे हैं। इस पर एक बार तत्कालीन नगरीय प्रशासन मंत्री जी ने भी कोई जांच करवाई थी, तो इसके बारे में लगातार सुनते रहे हैं। तो उसमें भी मैंने ये बात पहले भी कही थी, आज भी कह रहा हूँ कि उस विषय में भी जो जांच रिपोर्ट गई है उस आधार पर कार्रवाई हो, इसका आग्रह हमने मुख्यमंत्री जी को और नगरीय प्रशासन मंत्री को और अधिकारियों को किया है कि नाला टेपिंग के मामले में भी अगर शहर के पैसे का नुकसान हुआ है तो उसकी भी जांच होकर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जब नाला टेपिंग को अधिकारी इसके इस केस में दोषी कौन आएगा, किसको सजा होगी, ये एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन इस केस में तथ्य हैं, दम है, और कोई ना कोई आरोपी है जी। उसके खिलाफ ज़रूर सजा होगी, क्योंकि ऐसा है कि जो टेंडर नंबर नहीं है, जो वर्क ऑर्डर नहीं है, जो एग्रीमेंट नहीं है, उस काम के लिए पेमेंट हो गया, निकल भी गया और ट्रांसफ़र भी हो गया। 100% निश्चित ही तौर पे मैंने रहा था, इसको और भी ये भी कहा है, अभी मैं वो चिट्ठी भी लिख के प्रोसिक्यूशन से भी और पुलिस से भी कह रहा हूँ कि इसको फास्ट ट्रैक पर चलाकर बाकी दोषियों को सज़ा जल्दी दिलानी चाहिए।
एक तरफ आप फर्स्ट एड की बात